पब्लिक टीवी आपकी आवाज। श्री कुंज बिहारी महिला मंडल द्वारा सेनाई मंडप में आयोजित भागवत कथा के पांचवें दिन भी कृष्ण लीला का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया। वहीं वृंदावन से पधारे ब्रजेश कृष्ण गोस्वामी ने अपने मुखारविंद से भगवान कृष्ण की लीला का वर्णन किया, तो वहीं गिरिराज पूजन का आयोजन भी किया गया। भगवान कृष्ण के सम्मुख 56 भोग का भी आयोजन किया गया। वही 56 भोग श्रद्धालुओं में भक्ति भाव प्रेम पूर्व से वितरित किया गया। सारा वातावरण भगवान कृष्ण के जयकारों से गुंजायमान हो रहा था। वहीं वृंदावन से पधारे ब्रजेश कृष्ण गोस्वामी के मुखारविंद से भगवान कृष्ण की लीला का वर्णन किया गया, तो साथ ही भगवान कृष्ण के भजनों का भी गुणगान किया गया। वहीं उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने भगवान कृष्ण के भजनों पर जमकर नृत्य किया, वहीं भगवान कृष्ण की उपासना की। इस अवसर पर समिति के समस्त पदाधिकारी व सदस्यगण भारी संख्या में मौजूद रहे। अब तो कोई भी काम करना हो तो ये सुधा जी बोला, मैं कोरे कनुआ चोरे कनुआ काहे लाला कनो कनो कहकर होगा। भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे और आज मैया ने भगवान का दिव्य वज श्रृंगार किया और भगवान के ऐसा दिव्य श्रृंगार करने के बाद भगवान को बैठा दिया। मैया को कहा, पतोई ये चैन से नहीं बैठे हो। भगवान भैया गुटवन चलते चलते अपने सात द्वारन को पार करके नंद भवन की सीढ़ी पे आकर बैठे और जब महल के बाहर उन गौवन को देखो, उन बछड़ी को देखो, वही बात्सल्य उमड़ आए और भगवान उतरने लगे। जब सीढ़ी पे से उतरने लगे तो दोनों हाथ नीचे वाली सीढ़ी पर रखे और जहां पे बैठे वहां से दोनों पैर ऊपर करे तो महाराज पेट केवल सीढ़ी पर ही टल गए। भगवान ना तो नीचे जा सके ना ऊपर जा सके। अब खाओ रोवे लगे, भैया आई बोले, दादा तू यहाँ कैसे टल रहे हो। तुरंत महाराज नारद जी महाराज दौड़ते दौड़ते आए और नारद महाराज ने दर्शन किया और कही कि योगियों तो साधको कहां कहां समाधि में उसे ढूंढते हो, देखो तो सही आज वही ब्रह्म नंद भवन की सीढ़ियों पर पलटा लटका हुआ है। में बैठा पलोटक राधा के चरणों में बैठा हुआ राधा के चरणों में पड़ा हुआ। हमारे ब्रज की सब मैं भी अपने लाला की कनुआ कहूंगी, तुम्हारे यशोदा की कनुआ कह मैं और रोहिणी की बलुआ कह प्रेम से यही श्री राम। अब तो कोई भी